एक अनिश्चितता के काल में मैंने हमेशा एक फॉर्मूला याद रखा है और वो ये है कि मैं कौन था, फॉरगेट अबाउट हु यू वेर, आप कौन थे भूल जाइए, आप क्या बन सकते हैं इस पे ध्यान दीजिए। मैं कौन था, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर था, मेरे को 300 दिन ट्रेनिंग मिलता था, आज मेरे को 30 दिन मिल रहा, समझो। मैं कौन था, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं क्या बन सकता हूँ और मैं कहाँ जा सकता हूँ, दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं कौन था, मैं समझो मैं 3 करोड़ का एक्चुअली मर्सिडीज चलाता हूँ, मैं कौन था, मैं 3 करोड़, सडनली वो मर्सिडीज गया और मैं हो सकता हूँ कि मैं होंडा सिटी में आ गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, लाखों है जिनके पास होंडा सिटी भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कौन था, मैं 4 बेडरूम हॉल किचन में रहता था, आजकल मैं 2 बेडरूम में रहता हूँ, समझो क्या प्रॉब्लम है, किसको दिखाना है। और किसी को बहुत प्रॉब्लम है तो हमको मदद कर ले, अगर मैं होंडा सिटी में घूम रहा हूँ और किसी को बहुत आपत्ति हो रही है कि नायर साहब होंडा सिटी में घूम रहे हैं, पहले 3 करोड़ का मर्सिडीज चलाते, तो आ जा तू मेरे को दे दे मर्सिडीज 3 करोड़ का, मैं चला लेता हूँ, फिर तेरे को बड़ा दुख हो रहा है तो तू दे दे। तो सबसे बड़ा रोग होते ना, क्या कहेंगे लोग, तो हमें क्यों पड़ी है मैं कौन था मेरा क्या था। तो लोगों को है ना वो पुरानी चीजें वापस चाहिए, सो आप कौन थे दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो हमारा विजन कार्ड है, ये जो स्मार्ट का जो विजन कार्ड है, इसमें लिखा है कि सन 2035 तक हमें $1 बिलियन बनना पड़े चाहिए। तो अभी हमें वो कंपनी बनाने में लगे, अंदर से हमें इस कंपनी को पूरे वर्ल्ड में फैलाना है। तो ये जो अंदर में हम दुनिया के बेहतरीन इंस्पिरेशनल स्पीकर में बनना चाहते, तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। सो फॉरगेट अबाउट हु यू वेर, फोकस ऑन हु यू कैन बिकम, आप क्या बन सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारे सपने अभी बाकी है, आपके अंदर बहुत विजन बाकी है, आपके अंदर बहुत सारा गोल्स बाकी है। तो बोलते हैं ना बहुत सपने यानी ड्रीम्स, ड्रीम से आता है विजन, विजन से आता है गोल। तो आपके पास ड्रीम है, आपके पास विजन है, विजन जो ड्रीम, विजन का मतलब है ड्रीम इन एक्शन। तो एक होता है सपना, और सपने को जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में डालते हो तो विजन बन गया, और जब आप छोटे छोटे उसको गोल बनाते हैं कि अगले 3 महीने में 1 साल में क्या करेंगे, वो गोल है। आपके पास अभी भी बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत विजन है, और आपके पास बहुत सारे सपने गोल्स हैं, आप उस पर ध्यान दो ना। अगर आपने इस तरह से अपने जीवन को जिया तो आप है ना एक्सटर्नल कंफ्यूजन्स पे आप हावी हो सकते। ये जो भयंकर एक्सटर्नल कंफ्यूजन चल रहा है ना, ये सबसे बढ़िया टाइम है खुद को सेल्फ डायरेक्ट करने का, सेल्फ मोटिवेट करने का और सेल्फ गाइड करने का। मेरे को लोग पूछते हैं नायर सर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, मिला नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मैं बोला अभी मैंने स्ट्रेटजी बनाया है नई तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाना। तो आपको लग रहा है ये आपने जो बनाया है राइट एयर होंगे, वो तो किसको मालूम। जो मैंने और मेरे टीम मेंबर ने सोच के ये बनाया कि इसको इस तरह से करेंगे, अब राइट ठहराओगे तो 1 साल के बाद मालूम पड़ेगा, 2 साल के बाद। हमने जानबूझ के ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं बनाया कि कैसे बर्बाद होना है, चलो मिल के प्रोजेक्ट बनाते कि 3 साल में हमें रोड पे आना, तो ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट नहीं। 3 साल में आबाद होने का हमने प्रपोजल बनाया है, अब उसमें आबाद भी हो सकते, बर्बाद भी हो सकते, अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता, मिडिल रूट पे हो सकता, कुछ नहीं हो। सो वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज जितने भी एक्सटर्नल कन्फ्यूजन है ना, इसका फायदा उठाइए और अपने आप को सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मैनेज्ड और सेल्फ मोटिवेटेड करने का काम कीजिए। ऐसे में आप अनिश्चितता के काल को हैंडल कर सकेंगे। यू विल विन इन अनसर्टेन टाइम्स।